नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई, नायब सिंह सैनी सीएम बन गए हैं, तो नायब सिंह के शपथ ग्रहण से कई सियासी संदेश भी निकले। संदेश यूपी की पॉलिटिक्स को लेकर थी, जिसकी खूब चर्चा है कि क्या हरियाणा में जीत वाला फॉर्मूला यूपी उपचुनाव में भी चलेगा, क्या नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी ने यूपी में भी ओबीसी वोटर्स को साथ लिया। ऐसी कई सारी चर्चाएं चली रही हैं, लेकिन इसी कार्यक्रम से एक तस्वीर निकली जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है। सोशल मीडिया पर लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं, तमाम तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। देखिए ये वायरल तस्वीर। तो इस तस्वीर में एक टेबल पर बैठे हैं बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह, और सीएम योगी राजनाथ सिंह भी उनके साथ हैं, एमपी के सीएम भी हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी इसमें बात करते दिखाई देते हैं। किसी बात पर योगी और शाह हंसते हुए दिखाई देते हैं, राजनाथ सिंह भी मुस्कुराते दिखते हैं। वहीं इस तस्वीर पीछे की ओर आपको केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिखाई देंगे। वो लोग आराम से वहां पर बैठे हुए हैं। ब्रजेश पाठक भी मानो कि इन लोगों की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जबकि केशव प्रसाद मौर्य अपने फोन पर लग रहा है जैसे कुछ व्यस्त है। अब इस पिक्चर को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इस पिक्चर में अमित शाह और योगी की बॉन्डिंग का जिक्र कर रहे हैं, दोनों के बीच हल्के फुल्के पलों को बीजेपी के लिए एक पिक्चर परफेक्ट बता रहे हैं, और शाह से योगी की दूरी और दूर बैठे केशव पर कमेंट कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग इस तस्वीर को लेकर, योगी को लेकर अक्सर जो सोशल मीडिया पर या सियासी गलियारों में चर्चाएं चलती रहती हैं, उस पर हमलावर है। देखिए कुछ कमेंट्स। दरअसल अक्सर सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं उठती रहती है कि योगी और शाह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए थे, उसके बाद भी यूपी में एक बड़ी ऐसी पिक्चर देखने को मिली थी और ये चर्चा जोर पकड़ी थी। तो केशव प्रसाद मौर्य ने जब सरकार से बड़ा संगठन बयान दिया था, तो कहा गया कि दरअसल ये गुजरात वर्सेज लखनऊ की लड़ाई है। अखिलेश यादव समेत तमाम विरोधी नेताओं ने इस पर चुटकी ली, चर्चाएं तो यहां तक चली कि सीएम योगी की कुर्सी भी खतरे में है। हालांकि लंबे एपिसोड के बाद तमाम एफर्ट पर फिलहाल के लिए एक विराम लगा, लेकिन कई लोग इसे एक कॉमा भर बताते हैं, कहते कि अभी फुल स्टॉप नहीं है, असल पिक्चर तो उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे। वैसे योगी लगातार उपचुनाव को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, ताकि लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर जो स्थितियां बनी उसे सुधारा जा सके, जो दाग लगा उसे धोया जा सके, उपचुनाव में कमल की रंगत को वापस लाया जा सके। ऐसे में इस खास तस्वीर को भी उपचुनाव से पहले एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। वैसे हरियाणा में भी कमल का रंग जो चटक हुआ, उसके पीछे योगी ही माने जा रहे हैं, क्योंकि योगी का बटोगे तो कटोगे बयान इस चुनाव में खूब चर्चा में रहा। कहा गया कि ये काम कर गया, हिंदुत्व के बल पर हरियाणा में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिल गई, जिससे अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी ला सकती है। वहीं एक और वीडियो वायरल हो रहा है इस कार्यक्रम का, जिसमें जेपी नड्डा के कान में योगी कुछ कहते दिखाई देते हैं। इस पर भी लोग तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर योगी नड्डा के कान में क्या कह रहे हैं। तो वैसे इस वायरल पिक्चर पर आप क्या कहेंगे? अमित शाह और योगी को लेकर जो तमाम चर्चाएं सोशल मीडिया पर हैं, इस पिक्चर को देखते हुए इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। और आपको बता दें कि पंचकुला में कल ये कार्यक्रम था हरियाणा के नए सीएम का, जिसमें एनडीए के तमाम नेता शामिल हुए थे, और उसी से ये तमाम पिक्चरें निकल रही हैं एक एक कर, जिस पर तमाम चर्चाएँ चल रही हैं।